अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस का सबसे पहले पता लग सके। सो फ्रेंड्स, नान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। और यहाँ मैंने 1/2 चम्मच घी ऐड किया है। अब हम हाथों की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मैदा में ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। तो इसे मिला लीजिए, एकदम अच्छे से मैदा में मिल जाना चाहिए। और जैसे ही ये सब कुछ एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दही। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप यानी कि 1/4 कप दही ऐड की है। दही को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं तो हम पानी यूज़ करते हैं, तो दही के मिक्स होने के बाद मैं यहाँ पर भी पानी यूज़ करूँगी। यहाँ पर आटा ही रेडी करना है हमें नान बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं पानी की हेल्प से एक डो रेडी कर लूँगी। डो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी पतला नहीं करना है, बट हमें थोड़ा सॉफ्ट एक मुलायम आटा चाहिए होता है इसके लिए। एंड फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नान बनके रेडी होते हैं, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए आटा कितनी इजीली लग गया है इसका। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है, जिससे कि ये जो आटा थोड़ा बहुत हाथों में लगा रह जाता है वो भी इसमें अच्छे से लग जाए और हमारा जो ये डो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। तो एंड में थोड़ा सा घी लेकर इसी तरह घी से भी इसे इस तरीके से लगा लीजिए। तो देखिए एकदम अच्छे से लग रहा है ना आटा, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है, दिखने से ही पता लग रहा है कि आटा कितना सॉफ्ट लगा है। सो फ्रेंड्स, आटा एकदम अच्छे से लग चुका है, तो यहाँ पर मैं इसे एक प्लेट से ढक रही हूँ और इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स, 2 घंटे के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आटा एकदम ऐसे फूल गया है ना थोड़ा, तो एकदम परफेक्टली आटा बना है। तो 2 घंटे के बाद में जब आप इसे चेक करेंगे ना, तो थोड़ा सा घी लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा, और इस तरह घी की हेल्प से इसे ऐसे हल्का हल्का दबा लें और इस तरीके से अपने, क्योंकि आपके हाथों में भी घी लगा हुआ होगा, तो इसी तरीके से ऐसे फोल्ड करते रहें। इससे बहुत ही अच्छा आटा लगेगा, तभी अच्छे नान रेडी होते हैं। तो बिल्कुल इन स्टेप्स को ध्यान में रखें और इसी तरीके से आटा लगाएं, क्योंकि अगर आटा अच्छा नहीं लगेगा ना तो नान बिल्कुल भी अच्छे नहीं सिकते हैं। तो अब हम एक लोई तोड़ लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना इजी है। नींबू से थोड़ा सा बड़ा साइज की मैंने यहाँ पर लोई ली है, और जिस तरह हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं यहाँ पर भी हम उसी तरह लोई रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितनी इजीली लोई रेडी हो गई है, एकदम सॉफ्ट लोई रेडी हुई है ना। तो इसी तरह बाकी लोई भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 लोई रेडी हो गई हैं और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा रखा हुआ है जो कि हमारे नान बेलने के टाइम में काम आएगा। तो देखिए इस तरीके से लोई पर थोड़ा मैदा लगाएं और इसे हाथों की हेल्प से हल्का हल्का ऐसे दबाते हुए फैला लेंगे और इसके बाद में हम इसे बेलना शुरू करेंगे।
तो इसे इस तरीके से बेल लीजिए, बहुत ही इजीली बेल जाता है। शेप की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नान तो किसी भी शेप का हो अच्छा ही लगता है खाने में। आप चाहे इसे गोल बनाएं या थोड़ा लंबा शेप दे दें। तो यहाँ इसके जो ऊपर की डायरेक्शन है उसमें मैंने यहाँ पर पानी लगाया है, पूरे नान के ऊपर अच्छे से पानी लगा लीजिएगा, ज़्यादा भी नहीं लगाना है लेकिन पूरे पर स्प्रेड हो जाए अच्छे से। और इसे इस तरह गरम तवे पर, जिस साइड से आपने पानी लगाया है वो साइड नीचे तवे पर आनी चाहिए और जो सूखी वाली साइड थी वो ऊपर आनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें तवा एकदम गरम होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही ये हल्का हल्का इस तरह फूलने लगे नान, आप तवे को इस तरह उल्टा कर दीजिए और फ्लेम को एकदम हाई कर दीजिए और इसे इस तरह पकाइए। और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, नान तवे से नहीं गिरेगा क्योंकि हमने इसमें पानी लगाया है और दूसरी साइड से अच्छे से सिक जाएगा हमारा नान। आप लोग वीडियो को देखते रहें एंड तक, आप लोग देखिएगा कि दूसरी साइड से भी नान एकदम अच्छे से सिक जाएगा, एकदम करारा नान बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ना कितना अच्छे से रेडी हो रहा है, बिल्कुल बाहर जैसा नान लगेगा आप जब इसे खाएंगे। तो देखिए एकदम अच्छे से सिक गया ना। तो आइए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि दूसरी साइड से भी कितना अच्छे से सिक गया है नान, एकदम करारा बना है ये। तो देखिए एकदम परफेक्टली सिका है। तो यहाँ मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दो नान रेडी कर दिए हैं आपके लिए अभी, और मैं इन पर लगा रही हूँ बटर। अगर आप बटर लगाकर नहीं खाते हैं तो आप बटर ना लगाएं, वैसे तो बटर नान बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बटर नान बहुत पसंद है। तो आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग रेस्टोरेंट्स में और ढाबे वगैरह पर खाना खाने जाते होंगे तो देखते होंगे कि इस तरीके से नान आपको कट करके दिए जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर नान उसी तरीके से, एक नान को मैंने दो पीसेस में कट कर दिया है। तो देखिए एकदम परफेक्ट नान रेडी हुए हैं ना, दिखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एंड फ्रेंड्स मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी करें। थैंक यू।